ਸਾਨੂੰ 370 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਆਹੀ ਲੋਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਬੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਟੋਟਲੀ ਓਵਰਲੋਡ ਜਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੰਨਾ ਸਾਡਾ ਟੱਚ ਅਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਆਪ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਗਾੜੀਆਂ ਰੋਕਣੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਆ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਹੀ ਤੋ ਹਮ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈਂ ਸਰ ਹਮੇ ਬਤਾਈਏ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਧਰ ਕੁੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕੁੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੁੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਕੀ ਲਈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁੰਨ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ऑलरेडी आपकी मेरे पे कार्रवाई चल रही है जिसके बारे में आपको पता भी है पता है ना उसके मेरे ऑफिशियल लेटर गया हुआ साइज से बाबू को भी हम उसमें ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं आप सरकारी काम में रुकावट डाल रहे हो नहीं हमें अपना काम करने दो नहीं नहीं हम नहीं डाल रहे हम सिर्फ हमें काम करने दो अपना सर ये हो गया एक एक जो होगा एक मिनट ये होगा सर ये हो गया रेलवे मान लीजिए कोई हमारे पास टेड सब मैं सर हम किसको करना आप क्या होगा किसको करना है हमें भी बताएं आप किसको आपको जो भी कहना है ना आप लिख के दे दो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है मेरा अगर खानपुर में आप लिख के दे दो सर मैं सिंपल दो मिनट की बात को लंबी छोड़ रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ मान लो हमारे पास कोई ट्रेड करने आता है पंजाब पंजाब क्या वो नहीं कर सकते सर मेरी बात सुनो हमने अपना काम करना है एज पर जो हमारे रूल ठीक है रूल्स में जो हमारे रूल्स लिखा होगा हमने अकॉर्डिंग टू रूल काम करना है बिल्कुल सर हमें अपना काम करना है ठीक है हमें पता क्यों डालना है जी हमें पता क्यों डालना है हमें अपना काम करना है इधर से इंटर जा रही है सब कुछ जा रहा है इंटर जा रही है हमारे डीसी ने उन्होंने रोका था मेरी बात सुनो हमने बड़े एमएमटीआर के हमारा रूल है हमारा वो पठानकोट साहब ये कह रहे हैं कि हमने लीगल सोर्सेस इनका पता करना है पिछले 15 दिन से आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी एमओ हमारे एमओ को डीसी को क्यों नहीं लिखी एक मिनट आने दो सबको आने कोर्ट का ये कहना है कि जेएनके वालों के पास लीगल सोर्सेस से माल नहीं आ रहा हम ये कहना चाहते हैं इनको कि 15 दिन से हमारी गाड़ियां पीछे धटका कर रहे हो तो आपने एमओ हमारे कठुआ वालों को क्यों नहीं लिखा गया अगर वो लिखा होता हम उसको अभी लिखा ले आते उनकी कॉपी जो इश्यू उन्होंने ए फार्म की करी है वो हमने इनके साथ ये हमने हर बिल के साथ ये क्वांटिटी के हिसाब से ये पक्का बिल और ए फार्म लगाया है और डेली जाता है और ये स्कैन करते हैं डेली स्कैन करते और ये सिर्फ इनका धक्का है ये हमारे साथ धक्का कर रहे हैं और मोदी साहब कहते हैं वन नेशन वन टैक्स ये तो कोई वन नेशन कोई टैक्स नहीं हमें तो ये इंडिया का पार्ट ही नहीं समझ रहे अभी तक इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है माइनिंग माफिया सर माइनिंग माफिया के सब उनके मुताबिक चल रहे हैं बुलाए ना उनको जो ये फार्म है हम ये पूछते हैं एमओ साहब को कि पठानकोट की माइनिंग कहाँ कहाँ है और आप कहाँ कहाँ से करवा रहे हो पठानकोट की माइनिंग हमें ये बता दो कि पठानकोट की माइनिंग सही है जहाँ माइनिंग कहीं और है आप कहीं और घुसे हुए हो हमारे जेएनके वालों ने हमारे एमओ ने कम से कम 10 इनकी गाड़ियां पकड़ी हैं पुलिस वालों ने भी पकड़ी है और एमओ ने भी पकड़ी है और उन पे जुर्माना भी हुआ है अगर ये इनके पास लीगल सोर्सेस है फिर हमारे जेएनके से राम डीलर क्यों उठाते हैं अब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग ये समझते हैं कि ये हमारे साथ धक्का कर रहे हैं ये बिल्कुल हमें नहीं मानेंगे हम कहते हैं कि ये हमें लिखा पढ़ी में दे दें इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम पूरी कर देते हैं इससे पहले भी गाड़ी रोकी कभी इन्होंने पहले कभी नहीं रोकी कोविड के पहले हमारा बिल्कुल स्मूथली चलता था और हमारे पास इनके जो पंजाब के लोग आते थे उनके हमने बिल काटे हुए पंजाब की गाड़ियां आती थी पंजाब की गाड़ियां जाती थी बिल काटे हुए तब इलीगल नहीं था अब नए ठेकेदार आ गए पठानकोट में अब इलीगल हो गया हमारा सर पीछे एक एफआईआर भी हुई है उसमें लिखा गया है कि ओवरलोड था उसमें जो माल था जो सर ऐसा है, आप ये गाड़ियां खड़ी हमें इन्होंने पहले दिन यही कहा
कि आपकी जो गाड़ियां हैं ओवरलोड आ रही हैं। हमने कहा हमारी जेएनके से ओवरलोड है, हम कम करो आंदोलन करते थे। ये आप पीछे चले जाओ 100 फुट पीछे चले जाओ, वहाँ पे देखो जाके, वहाँ पे एक 5 सैकड़े वाली गाड़ी जो है वो 11 सैकड़े का माल लोड है, वो इलीगल नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका अल्टरनेटिव निकालें। अगर जेएनके में हमें जेएनके वालों ने हमें इधर आने देना, पंजाब वालों ने कि नहीं आने देना, पंजाब से ईंट जाती है। ऐसे ही उन्होंने जो भट्ठे वाले थे उन्होंने शोर डाला तो थोड़े दिन बंद हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको लो किया तो वो जा रहे हैं। तो जब ईंट भी ओवरलोड जा रही है तो उनको कोई नहीं मना कर रहा, गाड़ियां जहां से आ रही है कोई मना नहीं कर रहा किसी को भी, हमें क्यों? सिर्फ जो ठेकेदार के कहने के मुताबिक हो रहा है, ये अपनी इनकी मर्जी कोई नहीं है, इनकी कोई मर्जी है, इनकी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आप समझते हैं हमारे इस वक्त बिल्कुल टोटल पूरे बिल्कुल पूरे नहीं, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हाँ, बिल्कुल जीएसटी बढ़ी है, जीएसटी बढ़ी है, आप जाइए। और हमें पहले का जब 370 थी तब स्टेट गवर्नमेंट ने हमें एक ऑर्डर किया था कि हमें ये जो अपने लखनपुर वाले कोई भी इनको नहीं रोके। आप क्या कहते हैं कि एमओ साहब किसी के प्रेशर पे, ठेकेदारों के प्रेशर पे हैं? एमओ साहब अपना कानून को नजर कर रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपना अंधाधुंध जो पावर है इसको वो उसकी मिसयूज कर रहे हैं। अगर एमओ साहब अपने कुर्सी के मुताबिक चले तो हमें नहीं रोक सके। अगर आपको इसके लिए कोर्ट में जाना पड़े जाएंगे सर, हमने तो फिर जाना है, और हमारे पास क्या चाह रहा है? जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गाड़ियों का, अगर आज नहीं तो कल हमें जाना पड़ेगा। कितना नुकसान जो है आपको हो गया यहाँ सर? करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, रोज का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, और यही फायदा पंजाब के लोगों को मिल रहा था। ये जम्मू कश्मीर की क्यों रोकी गई है, क्या वजह? सर हम इसकी सिर्फ लीगैलिटी चेक कर रहे हैं कि जो मटेरियल आ रहा है लीगल सोर्स के थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। गगन जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पंजाब के भी जो है मटेरियल जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आता है, हमारे यहाँ पे ईंटें आ रही हैं पंजाब की, और बहुत सा जो सामान जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहा है, क्या समझते हैं कि जम्मू कश्मीर भी जो है वो भारत का एक अटूट अंग है, भारत से बाहर नहीं है, तो क्या समझते हैं कि पंजाब अलग हो गया और जम्मू कश्मीर अलग हो गया? क्या जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं रेलवे के लिए, कुछ लिए हैं, वो कहाँ से मटेरियल लेंगे, क्या करेंगे? सर ऐसा है, हमारे जो है हमारे रूल्स पे काम कर रहे हैं जी, एज पर रूल ही हम काम कर रहे हैं। सर आप हमें ये बता दीजिए कि रूल क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या रूल है और पंजाब के लिए क्या रूल है? सर हमने सिर्फ लीगल सोर्स चेक करना है, अगर ये गाड़ियाँ लीगल सोर्स प्रॉपर होगा उनको जाने दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो एज पर रूल हमारे कार्रवाई की जाएगी। सर 3 दिनों से गाड़ियां खड़ी हैं, हमने यहाँ पे ड्राइवरों से भी बात की, उनका ये कहना है हमें रोका जा रहा है यहाँ पे, पहले 2 महीने से हमें यहाँ पे रोका नहीं गया, क्या वजह है कि इतने दिनों से रूल का पता नहीं लगा कि क्या हुआ? सर हम अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं एज पर रूल कर रहे हैं, जो हमारे रूलों पे लिखा है पढ़ लीजिए, हम अपने एज पर रूल ही कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।